हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 14 फरवरी को पूरी दुनिया में प्यार का दिन माना जाता है, जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। इस दिन लोग अपने लवर को गिफ्ट देकर अपने फीलिंग्स को बयां करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस वैलेंटाइन डे आपको समझ नहीं आ रहा है आप इस दिन को कैसे प्लान करेंगे और अपने पार्टनर को क्या ऐसा तोहफा दे जो बिल्कुल हटकर हो। तो फ्रेंड्स, एक रिश्ते में सबसे बेस्ट पार्ट होता है जब आप पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। मगर अफसोस की बात है कि सब अपनी लाइफ और करियर को लेकर इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि अपने लोगों के लिए ही समय नहीं है। साथ ही जो भी विकल्प कपल्स वर्किंग होते हैं, उनका एक अच्छा खासा समय ऑफिस में ही चला जाता है। अगर कभी समय मिल भी जाए तो बजट भी ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ वैलेंटाइन डे को मनाने का कुछ यूनिक तरीका। विदेशों में ही नहीं, अब देश में भी वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक को लेकर काफ़ी क्रेज देखने को मिलता है। ऐसे में कपल्स के लिए टाइम और बजट दोनों मैनेज करना आसान नहीं है। तो अगर आप इस वैलेंटाइन वीक पर पार्टनर को डेट पर ले जाने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ बताए टिप्स आपके काम आ सकते हैं। इस वैलेंटाइन पर आप अपने घर पर डेट के लिए कुछ अच्छा प्लान करें और अपने पार्टनर को सरप्राइज दें। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मनपसंद जगह जाकर सेलिब्रेट करें। अगर आपका पार्टनर घूमने का शौकीन है, तो आप उसे इस दिन किसी ऐसी जगह की सैर पर ले जा सकते हैं जो उन्हें बेहद पसंद आए। आप चाहें तो अपने ही शहर में गाइडेड टूर उसे करवा दें, ताकि उन्हें आपके साथ खास लगे। इसके अलावा इस दौरान आप अपने साथ उनकी तस्वीरें को क्लिक कर लें और उनका अच्छा सा एल्बम बना लें। और इसमें दूसरा यूनिक तरीका यह है कि घर पर ही बनाएं रेस्टोरेंट। आप चाहे तो घर पर ही रेस्टोरेंट बनाकर एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर सकते हैं। उनके लिए कैंडल लाइट डिनर, एक खुशनुमा शाम बिताएं। इसके लिए आपको अपनी बालकनी की बिल्कुल रोमांटिक अंदाज में डेकोरेट करना होगा, ताकि ये शाम थोड़ी अलग लगे। और इसमें तीसरा यूनिक तरीका ये आता है कि सिंगल दोस्तों के लिए रखे पार्टी। वैलेंटाइन डे सबसे ज़्यादा सिंगल लोगों को खलता है। इस दिन सभी सिंगल्स उदास महसूस करते हैं। ऐसे में अगर आपके कुछ एक दोस्त सिंगल हो, तो उनके लिए इस दिन अपनी ओर से एक पार्टी का इंतजाम करें जो उन्हें खुश करने के लिए पर्याप्त होगी। और इसमें चौथे नंबर पर आता है पर्सनल टच वाली चीज़। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसी चीज़ भी दे सकते हैं जिसकी ज़रूरत उसे और आपको हमेशा से रही हो। अगर आप कपल हैं, तो घर का कोई सामान ला सकते हैं या किसी कॉलर्ज को बनवा कर लगा सकते हैं। आप चाहे तो लव मैरिज को भी रेडियो या पर ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बात ये होती है कि किसी एक को नहीं, सबको प्यार दे। वैलेंटाइन का दिन सभी को प्यार देने का होता है। इस दिन आप सभी से प्यार से पेश आए, सभी से प्यार जताएं और उनका सम्मान करें। लोगों को बाहर खाने पर ले जाएं, किसी को कपड़े दान करें या खिलौने दें। इससे आपको खुशी मिलेगी और जिसे आप देंगे उसे तो आंतरिक खुशी होगी। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने वैन को बेहद खुशी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा डे नाइट पर आप दोनों सेफ बन सकते हो और साथ में मिलकर डिनर बनाएं। एक साथ कुकिंग करने से आपको अपने पार्टनर के करीब आने का मौका मिलेगा। आप अपने एक आरामदायक जगह पर अपने पार्टनर के साथ लेटे और अपनी पसंद की सीरीज लगा ले, और फिर कोई फिल्म देखे। आप कोई बेहद रोमांटिक फिल्म देख सकते हैं, और फिर फिल्म खत्म होने के बाद अपने पार्टनर को उसी फिल्म स्टाइल में प्यार करें। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने वैलेंटाइन डे को काफ़ी यादगार और खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।